आईपीएल 2020 का तीसरा मैच आज होने वाला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर। और आज का मैच बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आरसीबी जिसके कैप्टन हैं विराट कोहली, और वहीं दूसरी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद जिसके कैप्टन है डेविड वार्नर। और दोनों ही टीम बहुत ही शानदार है और इनके कैप्टन्स भी बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि दोनों ही टीम की परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिली। हालांकि बात करें सनराइज़र्स हैदराबाद की, तो सनराइज़र्स हैदराबाद एक बार आरसीबी से मैच जीत चुकी है जो कि 2016 का फाइनल था। वहीं बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी ने आज तक एक भी फाइनल मैच नहीं जीता है। तो और इस बार विराट कोहली काफ़ी अच्छे मूड में दिख रहे हैं कि वो मैच को जीत कर ही जाने वाले हैं। और आज के मैच के अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए, तो सनराइज़र्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह रहने वाली है। तो वहीं डेविड वार्नर जो कि कैप्टन है वो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जॉनी बेयरस्टो, तीसरे नंबर पर मनीष पांडे, चौथे नंबर पर विराट सिंह, पाँचवें नंबर पर विजय शंकर, छठे नंबर पर अब्दुल समद, सातवें नंबर पर मोहम्मद नबी, आठवें नंबर पर रशीद खान, नौवें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार और दसवें नंबर पर खलील अहमद और ग्यारहवें नंबर पर संदीप शर्मा रहने वाले हैं। अगर रॉयल चैलेंजर्स के प्लेइंग 11 की बात की जाए, तो वो कुछ इस तरह है। पहले नंबर पर आरोन फिंच, दूसरे नंबर पर पार्थिव पटेल, तीसरे नंबर पर विराट कोहली, चौथे नंबर पर एबी डिविलियर्स, पाँचवें नंबर पर गुरकिरत सिंह, छठे नंबर पर शिवम दुबे, सातवें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर, आठवें नंबर पर क्रिस मॉरिस, नौवें नंबर पर डेल स्टेन, दसवें नंबर पर नवदीप सैनी और ग्यारहवें नंबर पर युजवेंद्र चहल। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अगर इन टीमों की प्लेइंग 11 के हिसाब से देखा जाए, तो आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये प्लेइंग 11 किस तरह से सही है या गलत। वहीं फैंटेसी प्लेयर्स के टिप्स की बात की जाए, तो वो कुछ इस तरह है। सनराइज़र्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंटेसी टिप्स प्लेयर्स के बारे में बात की जाए, तो विराट कोहली जो कि कैप्टन है, दूसरे नंबर पर राशिद खान जो कि वाइस कैप्टन है, जॉनी बेयरस्टो, डेविड वार्नर, मनीष पांडे, देवदत्त पडिक्कल और युजवेंद्र चहल, मोहम्मद नबी, वॉशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी और संदीप शर्मा जो कि एक तरीके से फैंटेसी प्लेयर्स हो सकते हैं आपके गेम के। और अगर गूगल के वोटिंग के हिसाब से अगर बात की जाए दोनों ही टीम्स के जीतने और हारने की चांसेस पे, तो सनराइज़र्स हैदराबाद की वोटिंग में पता चला है कि 55% लोगों ने सनराइज़र्स हैदराबाद की जीत और आरसीबी की 45% लोगों ने हार मान रखी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आज का मैच देखने के लिए तैयार हो जाएं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। बाकी की ऐसी और खबर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।